तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग शकुंतलम मूवी के डे वन की थिएटर ऑक्यूपेंसी को डिस्कस करेंगे, वो भी 3D वर्जन और 2D वर्जन, यानी कि ये जो फिल्म है दो वर्जन्स में रिलीज हुई है, 2D और 3D। तो यहाँ पर हम लोग 2D की भी बात करेंगे, 3D की भी बात करेंगे, और इसके अलावा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी रही उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंपेयर भी करेंगे कि कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। अब ये जो फिल्म है मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम में। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से इस फिल्म ने ऑक्यूपेंसी दिखाई है और इसको लेकर हमारे दिमाग में अभी क्या राय बन सकती है। बाकी बजट वगैरह भी तो हम डिस्कस करेंगे करेंगे, वो भी अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ तो बचा के रखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तेलुगु की, तो अगर हम इसके 2D वर्जन की बात करें तो 2D में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 32.60%, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा ऑक्यूपेंसी नंबर है डे वन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं 3D की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी गिर गई तेलुगु वर्जन की, जो कि हमें देखने को मिला 22.29%, जो कि देखा जाए तो अच्छा ही है। मतलब बाकी जब भी जितने भी सारे लैंग्वेजेस हैं उनसे तो अच्छा ही इस फिल्म ने परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर फिल्म भी तेलुगु में ही बनी है, तो ऐसे में तो इस फिल्म को कम से कम उसमें तो काफी अच्छा खासा बिजनेस करना ही चाहिए, जो कि ये फिल्म काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है ऑक्यूपेंसी के मामले में। 2D में रहा 32% और 3D में यहाँ पर निकल कर आया 22% का। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ हिंदी वर्जन की, तो इसके अगर 3D वर्जन की मैं बात करूँ तो 3D वर्जन में ऑक्यूपेंसी रहा 8.23% का। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ 2D का, तो 2D में ऑक्यूपेंसी रहा यहाँ पर 5.72%, जो कि मैं कहूंगा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है इनिशियल स्टेज के लिए। मतलब ये तो डे वन ही खत्म हुआ है, तो ऐसे में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, वो भी हाई। तो इसलिए देखते हैं, क्या पता धीरे धीरे ये ऑक्यूपेंसी हो सकता है कि बढ़ जाए, 10% से ऊपर हो जाए, या फिर जो 5% है 2D में वो 10% पे चला जाए, जो 8% है वो 10 to 15 या 20% भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उम्मीद यहाँ पर बना के रखना है। और ज्यादातर हिंदी बेल्ट में जो साउथ की मूवी रिलीज होती है, इतना जल्दी मतलब बहुत तगड़ा कमाई नहीं कर पाती हैं, तो उनको थोड़ा वक्त लगता है एक माहौल बनाने में, उन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार उन्होंने अगर ऑडियंस को भांप लिया और उसके बाद एक पकड़ बना ली, तो वो आसानी से मतलब गिरते नहीं है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, थिएटर ऑक्यूपेंसी बहुत तगड़ी देखने को मिल भी जाती है। अगर मैं इसके तमिल वर्जन की बात करूं और 3D ऑक्यूपेंसी की बात करूं, तो वो रहा 31.56%, यानी कि तेलुगु के बाद ये सेकंड नंबर पे आएगा। और 2D की मैं बात करूं तो ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा गिर गई 16.18%। हालांकि यहाँ पर 2D वर्जन और 3D वर्जन में ये कॉम्पिटिशन क्यों चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि 3D वर्जन में इस फिल्म को रिलीज करने का तो वैसे कोई सेंस मुझे नहीं लगता कि बनता है, क्योंकि ट्रेलर वगैरह में भी हमें उतने तगड़े एक्शंस के सीन्स हमें देखने को मिले ही नहीं है, और फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी नहीं है जिसको देखने के लिए शायद हमें 3D की जरूरत पड़ जाए। तो इसमें मुझे ये थोड़ा सा यूजलेस लगा, पता नहीं कुछ लोगों को ये मेरी ये बात पसंद ना आए। अगर ये फिल्म 2D में रिलीज होती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब अगर मैं बात करूं मलयालम वर्जन की, तो इसका 2D वर्जन का डेटा तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3D का अवेलेबल है, जो कि देखने को मिला सबसे ज्यादा कम 6.30% का। तो ये यहाँ पर इसकी ऑक्यूपेंसी की डेटा जो है वो निकल कर आई है 2D और 3D, और यहाँ पर आप कंपेयर भी करके देख सकते हो कि 2D का जो थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा या फिर 3D का जो थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा, इसमें कितना डिफरेंस हमें देखने को मिला, लोग किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, 2D वर्जन को देखने में या फिर 3D वर्जन को, जिसको आप यहाँ पर इस ग्राफ सॉरी डेटा के जरिए अपने से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसे चल रही है। तो फिलहाल डे वन के हिसाब से तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है, या तो फिल्म डे टू में ऐसा ही एक बैलेंस मेंटेन करके चले या फिर इससे अच्छा परफॉर्म करे। अगर इससे नीचे गई तो शायद मुझे लगता है कि ये फिल्म लड़खड़ा जाएगी। जोहार।